हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, देश की नई संसद में मानसून सत्र और बजट सत्र के दौरान राजस्थान के सुदूर पश्चिम और थार से जुड़ा हुआ एक जिला पड़ता है जालौर जिला, उनके सांसद माननीय सांसद ने पीएम मोदी जी के मौजूदगी में संसद में मुद्दा उठाया था कि हमें रेल दीजिए। तो रेल तो मिलेगी जब मिलेगी, लेकिन अभी आज की डेट में दोस्तों अगस्त सितंबर शुरू हुआ ही है। पहला फर्स्ट सितंबर है, सेकंड सितंबर, ये फर्स्ट सितंबर को आप जैसा कि देख पा रहे हैं जालौर से दिल्ली तक की ये एक नई राजस्थान रोडवेज की जो है शुरू हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, परिचालक देखिए, काफी राजस्थानी टिपिकल जो है वेशभूषा में सुसज्जित साफे साफे लगे हुए हैं इनका। आपका नाम क्या है? कुमाराम देवासी। आपका नाम? शरवण बिश्नोई। आपका नाम? शिवराज सिंह पाटिल। दो चालक रहेंगे, एक परिचालक रहेंगे। तो ऐसा सफर, ये बिल्कुल नई बस है, इसमें ये देखिए फूल मालाएं लगी हुई बाहर लगी हुई है और ये बिल्कुल नई बस है। तो आप सफर कर सकते हैं गाइस, जो मारवाड़ क्षेत्र से आते हैं, जालौर क्षेत्र से आते हैं। ये पहला फेरा है जालौर से सीधी बस दिल्ली के लिए। इधर देखिए, ये आज ही ये देखिए मालाएं लगी हुई, फूल लगे हुए और ये बिल्कुल नई बस। और ये सब यात्री, ये भी जो मारवाड़ी पे वेशभूषा में ये है। आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आप? हम ब्यावर से आए हैं और अब जयपुर जा रहे हैं। एकदम एक नंबर बस है, एक नंबर, अंदर सारी जो फैसिलिटी बहुत अच्छी है। चलिए हमारे साथी से और बात करेंगे। आपका नाम बताइए। शरवण बिश्नोई। ये और ये जो है परिचालक महोदय, क्या बीच में इसका रूट क्या रहेगा, हमारे जो है लाखों व्यूअर्स को बताइए। जालौर से पाली, पाली से ब्यावर, ब्यावर से अजमेर, अजमेर से जयपुर, जयपुर से दिल्ली। एसी बस है ना? एयर कंडीशन बस है दोस्तों। अजमेर से जहां तक का मुझे आइडिया है बहुत कम, वोल्वो के कंपेरिजन में। ये इधर देखिए गाइस, ये चालक परिचालक दल, इनसे जो है हम परिचालक भाई को बुलाएंगे इधर। इसका एयर कंडीशन बस सही है ना? जी सर। लेकिन किराया बहुत कम है इसमें। हाँ जी सर, किराया भी कम है इसमें। महिलाओं के लिए 50% की छूट भी है इसमें। वरिष्ठ नागरिक के लिए भी अच्छी है, कंफर्टेबल बस है, आरामदायक है, पैसेंजर आराम से सीटों को पुश बैक करके बैठ भी सकता है। मतलब कुल मिला के कम्फर्टेबल है। और जहाँ एसी बस कहीं नहीं चलती थी, आज फर्स्ट बार पाली जालौर में नई बस जी। पाली जालौर हमारे चीफ साहब मोहनलाल जी मीणा ने प्रयासों से यहाँ के विधायक महोदय की अनुशंसा भी रही होगी। जालौर से जयपुर का क्या किराया रहेगा? आज गाड़ी पाली डिपो से, तो पाली डिपो से स्टार्ट हुई है, तो पाली का किराया पाली और जयपुर का 500 और कुछ 50 रुपए ऐसा कुछ है सर। और दिल्ली का पाली से 1,065 रुपए है, जो बहुत कम है, एक रीजनेबल है दोस्तों गाड़ी को देखते हुए। और इसमें अगर वोल्वो गाड़ी होती तो बहुत ज्यादा किराया होता। तो गाइज आप सफर करिएगा ऐसे राज्य की राजधानी, देश की राजधानी में आप जो है बहुत सुविधाओं के साथ वातानुकूलित गाड़ी में, एयर कंडीशन गाड़ी में, बहुत ही कम किराए में सफर कर सकते हैं। तो गाइस ये था मेरा राजस्थान के जालौर से दिल्ली की ओर चलने वाली बिल्कुल नई गाड़ी की इनॉग्रेशन और उसमें जो मैं सफर कर रहा हूँ उसका वीडियो। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। Thank you so much for watching my video.